नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के गोवा भाषण का कन्हैया कुमार ने कैसे एक एक वाक्य का मुंह तोड़ जवाब दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लाल किले से कह दिया था, लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे सत्याग्रहों की मदद के लिए वो फौज नहीं भेजेंगे। मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरना है तो मरो, जीना है तो जीरो, ये तरीका। प्रधानमंत्री जी का एक फूहर भाषण, मैं खड़ा होकर के यहाँ पे जो भी लोग रिकॉर्ड करना है सुन लीजिए, और जितना दम लगाना है प्रधानमंत्री को बोलिएगा कि लगा लेगा, उससे हमको डर नहीं लगता है। एक फूहड़ भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से गोवा को आजादी नहीं मिली। माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, जो 9 महीना बच्चे को पेट में पालता है ना, उसको पता होता है कि उसका बच्चा पैदा करने का तकलीफ क्या होता है। हमारा यह कहावत है कि जिसके पांव नहीं फटते हैं ना, जो जमीन में गरम मिट्टी पे मेहनत नहीं करता है ना, उसको मेहनत की कीमत नहीं मालूम होती है। झूठ बोल करके, वादा खिलाफी करके, टीवी मीडिया को खरीद करके, अपने अरबपति दोस्तों से चंदा करके, इनको लगता है कि एक बार ये लोकतंत्र को गुमराह किए हैं, बार बार ये लोकतंत्र को गुमराह करेंगे। तो मैं गोवा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, गोवा से एक आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, और वो आवाज ये होनी चाहिए कि जो हमारे साथ वादा खिलाफी करेगा उसका मुंह काला करेंगे, जो हमको ठगा है उसे हम दोबारा नहीं ठगे जाएंगे। आज एक तरफ विकासवादी भाजपा है तो दूसरी तरफ अस्थिरतावादी कांग्रेस है। आज एक तरफ प्रमोद सावंत जैसे युवा और ईमानदार नेता है, और जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं मैं तो मुख्य मित्र हूं। अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य मित्र के रूप में ही वो पहचान कराते हैं और उस प्रकार का जीवन भी जीते हैं। दूसरी ओर वो चेहरे हैं जिनका भ्रष्टाचार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड गोवा का बच्चा बच्चा जानता है। एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा कह रहे थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो अपने आप को मुख्य मित्र कहते हैं। सही बोले प्रधानमंत्री जी, आप सचमुच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप अपने मित्रों की ही सरकार चला रहे हैं। देश का नाम लेते हैं और दोस्त तो देश की संपत्ति बेचते हैं। इसीलिए मैं गोवा के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आर पार की लड़ाई है। पांचों राज्य में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में खड़ी है, और ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे लिए इस देश की जो संस्कृति है, इसकी जो एकता है, उसको बचाने की लड़ाई है। इसीलिए मैं गोवा के आप तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूँ, गोवा के लोगों के जो दुश्मनी का भाव गोवा के लिए उन्होंने रखा है, वो आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, बहुत सी बातें हैं जो इतिहास में दबोच करके रख दी गई है, दबा दी गई है। सत्य आप तक पहुंचे नहीं, इसके लिए बहुत खेल खेले गए हैं, 5-5, 6-6 दशक से ये हुआ है। आपको देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले मैंने संसद में, पार्लियामेंट में गोवा का जिक्र किया, कैसे कांग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था। मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाइयां बताई थी। बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है
कि गोवा भारत की आजादी के भी डेढ़ दशक बाद आजाद हुआ था। 15 साल ज्यादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था। भारत के पास फोर्स थी, सेना थी, हमारी मजबूत नेवी थी। कुछ घंटे में जो काम हो सकता था वो कांग्रेस ने 15 साल तक नहीं किया। गोवा के लोग अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे, सत्याग्रही गोलियां खाते रहे, अत्याचार सहते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लाल किले से कह दिया था, और आज आप उनका भाषण YouTube पर जाकर के सुन सकते हैं। लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे सत्याग्रहों की मदद के लिए वो फौज नहीं भेजेंगे। मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरना है तो मरो, जीना है तो जीरो, ये तरीका। गोवा को लेकर कांग्रेस की यही सोच पहले भी थी और आज भी है। तो हमको लगा कि प्रधानमंत्री जी झूठ ही बोलना है, गोवा का नहीं जाने की क्या जरूरत है। जैसे ANI को बुला करके इंटरव्यू दिए थे, दिल्ली में ही PMO में बैठ करके झूठ बोल लेते भरदम। आजकल पार्लियामेंट में भी आप यही कर रहे हैं। मैं उस पूरे भाषण में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो आपसे साझा करना चाहता हूं। मैंने अपने राज्य का नाम लिया, अपने जिले का नाम लिया। हमारा गोवा के इतिहास के साथ सच वाला, प्रधानमंत्री जी वाला नहीं, वो देश के किसी कोने में जाते हैं, अपना रिश्ता वहां से निकाल लेते हैं। मैं आपको सचमुच एक हिस्ट्री बताता हूं कि हमारे इलाके के नौजवान गोवा लिबरेशन मूवमेंट में शामिल होने के लिए आए थे, और ये जो साहब हैं ये एक बार झूठ बोलते बोलते ये बोल दिए कि प्रधानमंत्री हम भी शामिल हुए थे 7.5 साल की उम्र में। झूठ का कोई सर पैर नहीं होता है। और उसी झूठ की कड़ी में इन्होंने कहा कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि गोवा आजाद हो जाए। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, आप गोवा के लोग हैं, अगर नेहरू जी नहीं चाहते थे कि गोवा आजाद हो जाए तो गोवा आजाद हुआ। गोवा आजाद होने के बाद यहां चुनाव हुआ। चुनाव जब हुआ कांग्रेस जीती थी कि BJP जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी ना, मैं ठीक बोल रहा हूं? जो पार्टी जीती, जिस पार्टी को यहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके काम को और उसके इतिहास को भुला दिया जाए। और जो अभी आए हैं और वो कह रहे हैं कि गोवा का इतिहास 2011 से ही शुरू हुआ है, इस इतिहास को आप मानेंगे? उसी तरह से 1980 में BJP बनी, 2014 में फुल मेजोरिटी मिला, और वो कह रहे हैं कि भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू हुआ है। मैं कहता हूं, चाहे आप धर्म की बात कर लीजिए या देश की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म RSS BJP के बनने के पहले था, है और रहेगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।